हेलो भाइयों, मैं हूं नवीन मालीकर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्टैंडर्ड 350 के बारे में। तो सबसे पहले सामने से चालू करते हैं, तो यहां पर आपको लाइट का कैप वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता। सिंपल हैलोजन लाइट और डुअल सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। यहां पर क्रोम फिनिश में आपको बढ़िया से टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है दोनों ही तरफ। और नीचे की तरफ में आपको 19 इंचेस के स्टील रिम और टायर देखने को मिल जाते हैं विथ ABS और डिस्क ब्रेक के साथ में। बात कर लेते हैं इसके लेग गार्ड की, तो ये तो एसेसरीज का पार्ट हो जाता है शोरूम की तरफ से। और इसमें इसके टैंक की बात कर लेते हैं, तो यह जाता है 13 लीटर का टैंक, फ्यूल टैंक। साइड से कुछ इस तरह से दिखती है। ओल्ड बुलेट को बरकरार रखा है रॉयल एनफील्ड ने और उसको बना दिया है स्टैंडर्ड क्रोम फिनिश के साथ में। आपको रॉयल एनफील्ड विथ जो डिज़ाइन दिख रही है, ये पूरी हाथों से बनाई हुई है। और इसके बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो मात्र ही अभी 2 किलोमीटर चली हुई है। और यहाँ पर स्पीडोमीटर प्लस स्विच का बटन मिल जाता है। बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड हैंडल की, तो यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट का स्विच प्लस टर्न इंडिकेटर प्लस हॉर्न, और इस साइड में आपको मिल जाता है टर्न ऑफ की बटन। बस इसमें आपको कोई सेल्फ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये सिंपली स्टैंडर्ड है। और अगर आपको सेल्फ वाली बाइक चाहिए तो आप इलेक्ट्रा पे जा सकते हो। बात कर लेते हैं इसके साइड क्लास की, तो ये क्रोम फिनिश के साथ आपको नहीं मिलेगा, सिंपली प्लास्टिक में ही आपको मिलेगा। कुछ इस तरह से दिखती है इसका साइड लुक, और पीछे से कुछ इस तरह का लुक आता है यहाँ से। बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें मिल जाता है 349 cc का इंजन 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ पर आ जाता है टूल किट बॉक्स और ये है बैटरी बॉक्स, ये हैंडल, और ये आपको मिल जाती है बुलेट की सीट जो कि पुरानी की तरह ही आ रही है। और लॉन्ग रूट के लिए कंफर्टेबल नहीं है वैसे, लेकिन आप अगर लॉन्ग रूट के लिए आपको गाड़ी लेनी हो तो आप क्लासिक पे जा सकते हो, वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर पीछे से बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है टेल लाइट जो कि है हेलोजन बल्ब के साथ आती है। और पीछे की तरफ भी दोनों इंडिकेटर मिल जाते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ वाइट कलर के, और क्रोम फिनिश के साथ आपको ये मिलेगा। पीछे से बात कर लेते हैं तो इसकी नंबर प्लेट भी ब्लैक कलर में आती है, और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का लोगो भी दिया गया है पीछे के मडगार्ड। मैं उधर साइड से तो नहीं दिखा सकता कि बाइक किस टाइप से दिख रही है, लेकिन इस साइड से आप देख सकते हो बड़ी मस्कुलर दिखाई दे रही है। बात करते हैं इसके पीछे के टायर की, तो ये भी आ जाता है C8 का टायर जिसकी प्रोफाइल है 325/19 इंचेस के। आपको इसमें स्टील रिम मिल जाते हैं ट्यूब के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की इंदौर में, तो ये मिल जाती है 1,73,000 ओनली। और अगर इलेक्ट्रा पे जाना हो तो आप लगभग 20,000 रुपये लगा के इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी ले सकते हो, इसमें कोई इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।